हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूं आज कि हाई स्कूल यूपी बोर्ड 2020 हाई स्कूल का पेपर सामाजिक विज्ञान का पेपर है। दोस्तों सामाजिक विज्ञान का पेपर है 2020 का। कल 27 फरवरी था, कल का यह पेपर था दोस्तों, ठीक है। चलिए, सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल का पेपर था, तो चलिए इस पेपर का हम एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस करने से पहले दोस्तों, मेरे वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबाकर मेरे फेस कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए, यहाँ पर आप लोगों का अंक मांग लिखना था, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का नाम लिखना था, ठीक है दोस्तों। 2020 सामाजिक विज्ञान और पूर्णांक 70 नंबर को मिलेगा आप लोगों को। सामाजिक विज्ञान देखिए एकदम इजी होता है, आप लोग बस इसमें पढ़ के गए होंगे तो एकदम इजी तरीके से लिख लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे, उसी तरह जिस तरह हर पेपर में दिया जाता था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद निर्देश पढ़ लीजिए। यह प्रश्न पत्र तो खंडों में क ख में विभाजित है, प्रत्येक खंड में सभी प्रश्न के साथ हल करना आवश्यक है दोस्तों। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। प्रत्येक पद के निर्धारित अंक उसके सामने लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय विस्तृत उत्तरीय लगी प्रश्न दिए गए हैं, खंड क में मिलाकर, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों, खंड क बहुविकल्पी प्रश्न देखिए। निर्देश, नीचे दिए विकल्पों में से यह सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 1848 की फ्रांसीसी राजक्रांति के फलस्वरूप है, कौन सा बतलाना है आपको, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, महान मंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, ठीक दोस्तों। चलिए तीसरा, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन है, बता सकते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी इसका आंसर है। चलिए आगे देखिए, पेरियार रामा स्वामी जयकर कौन थे, यह बताना है। इसके लिए एक एक नंबर दिए जाएंगे आप लोगों को, एक एक नंबर। धर्म निरपेक्ष राज्य में क्या होता है, यह भी एक नंबर का प्रश्न है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 6 देखिए, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी किस वर्ष, 1989, 1992, 1994 बताइए। देखिए इसके लिए भी एक नंबर दिए जाएंगे आप लोगों को। अति लघु तरी प्रश्न, 7 वांटिन लूथर कौन था, उसका मुख्य योगदान क्या था। 8वां, भारत में पहली टूट मिल का स्थापना हुई थी, उसे किसने स्थापित किया था। 9वां देख लीजिए, उसी तरह आपको दो दो नंबर मिलेगी, एक क्वेश्चन के लिए दो नंबर मिलेगी आपको, ठीक। चलिए लघु उत्तरी प्रश्न में देख लीजिए, नमक सत्ता ग्रह क्यों प्रारंभ किया, उसका संक्षिप्त विवरण देना है, 3 नंबर में। अथवा रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ, यह भी एक एक प्लस 3 नंबर का मिलेगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की, भारत में जाति का प्रथा का राजनीति एवं सामाजिक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अथवा कर लीजिए, राजनीतिक दल और दबाव समूह का अंतिम अंतर लिखिया और किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए, यह भी 3 नंबर का। अथवा 11 का ए करिए या ए करिए, अथवा में क्वेश्चन है, ठीक। चलिए देखिए, दीर्घ उत्तरी लघु प्रश्न 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों को 4 प्रमुख कार्य लिखिए, 6 नंबर क्या दिया जाएगा। या अथवा वाला क्वेश्चन कर लीजिए 19वीं शताब्दी में, ठीक। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, अपने देश में महिलाओं को सामाजिक एवं राजनैतिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में 3 तर्क दिए, क्या उन्हें किसी संवैधानिक संस्था में आरक्षण प्राप्त है, यह भी आपको 6 नंबर का दे दिया जाएगा दोस्तों। या 13 का अथवा भी कर सकते हैं, ये वही ठीक, एक ही क्वेश्चन आपको करना है। आइए मानचित्र कर देख लीजिए, निर्देश, दिए गए मानचित्र में वंचित स्थानों को इतना बिंदु से दर्शाना है आपको, इसके लिए भी आधा नंबर दे दिए जाएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लीजिए, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, मिला होगा पेपर में आप लोगों को। वह स्थान जहां जलियावाला बाग का हत्याकांड हुआ था, 1919 में हुआ था दोस्तों जलियावाला बाग का हत्याकांड, लेकिन उसमें मैप में आपको दिखाना होगा। चलिए देखिए, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यह भी आधा नंबर का है, आधा प्लस आधा। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, आप लोगों को बतलाना है, ये वर्दिष्टहीन के लिए प्रश्न है, देख लीजिए।
ठीक देख लीजिए, खंड क प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न निर्देश, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है आपको बतलाना है। निम्न में से कौन सा खरीफ की फसल, एकदम एकदम आसान दे दिया है, हम क्या बताएं, आप लोग खुद ही आता होगा। चलिए देखिए 17, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पाद कहाँ से होता है, देख लीजिए आप लोग। ठीक, झारखंड का कोरंडमा अग्री उत्पादक है, अबरक लावा तोबा ये सब आपको पंजाब में भूमि का है, यह भी देख लीजिए। 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लीजिए, एकदम आसान है। ठीक, अति लघु उत्तरी प्रश्न में देखिए, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आप क्या समझते हैं, कोई दो उदाहरण लिखना है, यह भी आपको दे दिया जाएगा 4 नंबर। चलिए देखिए क्वेश्चन 22, कोई दो मानवीय क्रियाओं लिखिए जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक, 23 का देखिए, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के लिए कोई दो उद्देश्य लिखिए। अब लघु उत्तरी प्रश्न में देखिए, लघु उत्तरी प्रश्न में आध्यात्मिक खनिज किसे कहते हैं, इसे दो खनिजों के नाम लिखिए दोस्तों। ठीक, ये अथवा वाला क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का देख लीजिए, विकास प्रक्रिया में रीढ़ की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, या अथवा वाला क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग। ठीक, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में देखिए, उद्योगों का एक संक्षिप्त टिप्पणी का वर्णन प्रस्तुत कीजिए, 6 नंबर का मिलेगा इसके लिए। ठीक, ये अथवा वाला क्वेश्चन कर लीजिए, भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजार के लिए एकीकरण में किस प्रकार की सहायता करता है, संक्षेप में समझाइए लिखा, ये अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं उपभोक्ता मानचित्र। उसके बाद है देखिए निर्देश में, भारत में दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, 28 नागार्जुन सागर बाद द्वारा कपास उत्पादक क्षेत्र आपको मानचित्र में दर्शाना है, सब 5 तक इसके लिए एक नंबर दिए जाएंगे आप लोग, एक एक नंबर केवल दृष्टिहीन के लिए प्रश्न है। ठीक, 28 का देख लीजिए, तो आपका ये पेपर खत्म होता है दोस्तों। ठीक, ये पेपर सामाजिक विज्ञान का पेपर है दोस्तों, तो सामाजिक विज्ञान का पेपर आप लोगों को खत्म होता है, इतने ही तक है, भी एकदम आसान है दोस्तों। इस पेपर का मैंने एनालिसिस कर दिया, आप लोग देख लिए होंगे पेपर कैसा है दोस्तों, बहुत ही इजी आया है, आप लोग बहुत ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे किए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना प्यारे दोस्तों। चलिए जब तक नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच।